खबर नोएडा से आ रही। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 16वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल दूसरे दिन का दूसरा सत्र भी शानदार तरीके से प्रारंभ किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फेस्टिवल में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर एलेना दिलोक मलिक, मधुरा नाई, जीनत कुरैसी, प्रीति घाई, नेहा मेहता, कविता अरोड़ा, राधा भट्ट, अर्जात नाथ, लिटिल काका, सुरेश कौर मौजूद रहे। सभी अतिथिगणों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत खुशी की बात है कि दूसरे दिन भी लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देश में कुल 950 चैनल्स हैं। सुरेश गौड़ ने सैटेलाइट और OTT चैनल्स के बारे में अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि OTT चैनल्स कभी रुकेगा नहीं और सैटेलाइट चैनल्स का भविष्य उज्जवल है। सभी अतिथियों ने अपनी अपनी जर्नी साझा की। फेस्टिवल में त्रिलोक मलिक द्वारा प्रस्तुत फीचर फिल्म IM हनुमान का पोस्टर लॉन्च किया गया, साथ ही सिनेमा फेस्टा न्यूज लेटर को रिलीज किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हाल में होप ट्रेन असेंबली ऑफ वियतनाम की फिल्म येलो फ्लावर की स्क्रीनिंग की गई, साथ ही AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के स्टूडेंट्स द्वारा वियतनाम की स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए, जिसके एम्बेसडर ने न सिर्फ अपने देश की डिश को पहचाना बल्कि खूब तारीफ भी की। फेस्टिवल में आए सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का संदीप मारवा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। युवा तक भारत समाचार के लिए राजेश मंडल की रिपोर्ट। To invite me for this. I will speak about what I know very well. I'm not very professional in some OTT platforms, but let me speak about our Ross. What a beautiful name. You can well imagine how the film is going to be when the name is so beautiful. India and Vietnam has got a wonderful relation. Not very long ago, we created Indo-Vietnam Film and Culture Forum and मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखे और उनका जोश देखा, मुझे बहुत ही मजा आया। और हमारे जो साथ में और थे जिन्होंने हमें ऑनर किया और मिस्टर मारवा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और OTT कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हमें आगे कितना और अच्छे प्लेटफॉर्म्स और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज मिल रहे हैं। संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज 16 साल हो गया है फिल्म फेस्टिवल को। ही इज अ मास्टरमाइंड, उनके लिए मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एक्टिंग के क्षेत्र में बच्चे आना चाहते हैं, अपना सोशल एक्सपीरियंस बताएं। जो भी कोई यूथ है, जो भी कोई एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइस देम दैट प्लीज कीप पेशेंस, बी परसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग, क्योंकि एक्टिंग इज नॉट वेरी इजी। ऑडिशंस होती है, उसमें रिजेक्शन होता है, अभी की यूथ काफी जल्दी डिप्रेस हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग पर्सन, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट फॉर द आर्ट। थैंक यू। क्या कुछ करना चाहेंगे? ओके, ओके, सो आई कैन सी दिस लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। सब लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है एंड आई कैन सी एवरीवन इज रेडी। एंड जो 16th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो एज एन एक्टर टू सी दैट इतने सारे लोग जो हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं, दे रेडी टू लॉन्च देयर करियर्स, दे आर विलिंग टू लर्न, ग्रो एंड बी आउट देयर इन द वर्ल्ड। सो जो एनर्जी है वो बहुत अमेजिंग है एंड आई एम लविंग इट। और या एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज हियर अटेंड
attending this festival as a student or you know even as a judge it's a great platform to be at. Thank you so much. Sandeep Marwah ji ke liye kya kuch kahenge jinhone organize kiya pura event? Tum sawal kyun pooch rahe ho? Kaisa laga? Acha laga. I think we need people like more people like him jo India ke andar acting editing aur jo bhi hum log jo seekhna hai jo basically dekho acting normally koi bolte hain ki iska koi qualification nahi chahiye ya kuch nahi chahiye but I think it's important as an actor also you should have some basic minimum understanding of your art so that when you are out there in the world you are starting from somewhere it's not like zero ki aage aur shuru kar diya to aapko kuch seekhna zaruri hai kuch basic principles pata hone chahiye ki as an actor how should you be what how should you know craft ke bare mein kuch knowledge honi chahiye and after being a place jahan pe cheez sikhai ja rahi hai it's a great platform to be and we need more people like him like Sandeep sir jo I've seen his energy it's infectious he's here jo cheezon ke bare mein batate hain and I can see that he's very excited for everyone who's here so yeah all the best thank you very much to organizers of this nice event it's the honor for me to be the part of the 16th film festival here in Noida as I said in the session our cooperation between India and Russia now is highly raised and we are very welcome Indian producers and filmmakers and television series makers and also channels Indian channels to Russia because due to our long history of friendship Russian people very warm and very interested in India as well as we try to bring more Russian companies TV channels and film industry here so I wish good luck to everybody this was a nice event really thank you thank you so much. Thank you.